हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। Redmi Note 10 Pro की MIUI 10.3.9 अपडेट आ चुकी है। ये 500 प्लस MB की OTA अपडेट है अगर अभी आपके पास MIUI 10.3.7 वर्जन है तो। Redmi Note 10 Pro में स्टार्टिंग से लेकर अब तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हुई है। यानी कि सबसे पहले इंटरनेट स्पीड की आती है। इंटरनेट स्पीड स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आती गई हमें डाउनलोड स्पीड काफी कम होती हुई नजर आई Redmi Note 10 Pro में। तो क्या इस अपडेट के बाद इंटरनेट स्पीड का जो इशू है उसे रिजॉल्व किया गया है? इसके साथ साथ वीडियो कैप्चर करते टाइम हमें काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, यानी कि पर्टिकुलर 30 FPS या 60 FPS नहीं मिलता है Redmi Note 10 Pro से। ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बग है, यानी MIUI 10.3.7 तक। देखने वाली बात ये रहेगी क्या MIUI 10.3.9 में भी हमें कुछ इस तरह की बग्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो लगभग हर एक अपडेट के बाद हमें कैमरे में हल्का फुल्का एल्गोरिदम चेंज होता हुआ नजर आता है, लेकिन उसे मेंशन नहीं किया जाता। जब कैमरे में कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो Redmi अपनी अपडेट में मेंशन करता है। तो यहाँ पे हमें कैमरे के एल्गोरिदम में बहुत माइनर डिफरेंस देखने को मिला प्रीवियस वर्जन और अपडेटेड वर्जन में। 90% इमेजेस तो दोनों का एल्गोरिदम सिमिलर था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस थी खास तौर से ब्राइटर बैकग्राउंड सिचुएशन में। प्रीवियस वर्जन यहाँ पे डार्क टोन में इमेजेस कैप्चर कर रहा था, यानी कलर को थोड़ा सा डल कर रहा था, डार्क कर रहा था। इस अपडेट के बाद उन्हीं सिचुएशंस में ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। बस यही हमें माइनर डिफरेंस या फिर एक डिफरेंस देखने को मिला दोनों के बीच में, जो कुछ ही इमेजेस में हमें देखने को मिल रहा था। उसके अलावा दोनों ही वर्जन के बीच में हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ना ही डिटेल कैप्चर करने में, ना ही कलर रिप्रोडक्शन में, ना ही एज डिटेक्शन एल्गोरिदम में। यानी कि कैमरे में आपको ऐसा कोई मेजर चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके बाद बात आती है वीडियो मोड की। तो Redmi Note 10 Pro में हमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक फ्रेम ड्रॉप का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमने काफी वीडियोस बनाए हैं, जिसके लिए हमने जियो फोन से भी इसे कंपेयर कर दिया है। और इस अपडेट के बाद भी हमें Redmi Note 10 Pro में फ्रेम ड्रॉप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ कुछ सिचुएशन में फ्रेम ड्रॉप्स काफी कम हुए हैं, लेकिन अभी भी फ्रेमिंग समय काफी ज्यादा देखने को मिल रही है जब हम कंटिन्यू वीडियो शूट करते हैं। यानी कि फ्रेम ड्रॉप अभी भी है MIUI 10.3.9 अपडेट के बाद वीडियो कैप्चर करते टाइम, यानी कि वीडियो कैप्चर स्मूथली अभी भी नहीं हो रही है। नए स्टार्ट किए तो इस सिचुएशन में थोड़ी देर मोबाइल स्टेबल वीडियो कैप्चर करता था प्रीवियस अपडेट में। हम देखने वाले हैं कि इस अपडेट में क्या हमें फ्रेमिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो एवरेज FPS आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, हम आपको वहाँ मेंशन कर देंगे कि एवरेज FPS कितना मिल रहा है, क्या पर्टिकुलर 30 FPS यहाँ पे मिलने लगा है या नहीं। वैसे मोबाइल स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे लैगिंग और फ्रेमिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि फ्रेम होता अटकता हुआ यहाँ पे स्क्रीन पर दिखने लगा है फुटेज। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेमिंग होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि अभी भी 47 सेकंड का ही वीडियो कैप्चर कर पाए हैं और यहाँ फ्रेमिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, और यही प्रॉब्लम शुरू से लेकर अभी तक है। इसके ऊपर हमने वैसे जियो फोन के साथ कंपैरिजन भी किया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अदर फीचर्स की बात करें या अदर पॉइंट्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में MIUI 10.3.9 अपडेट के बाद आपको कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट मिल जाता है, यानी कि आपको लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक है उसे कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, साइड में रखना है या वर्टिकल रखना है। तीन तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको डार्क मोड भी मिल रहा है, यानी कि डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड भी मिल रहा है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है किसी भी डिवाइस के लिए। बाद अगर हम यहाँ पे इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड और फेस अनलॉक की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड तो वैसे ही है जैसे प्रीवियस अपडेट में थी, यानी कि काफी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, हमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड में कोई इशू नजर नहीं आया। लेकिन फेस अनलॉक हमें पहले के मुकाबले और स्लो होता हुआ नजर आया, यानी कि फेस के थ्रू मोबाइल को अनलॉक करने में Redmi Note 10 Pro को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। प्रीवियस अपडेट में यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ाई गई थी, लेकिन उससे फेस अनलॉक की स्पीड स्लो हो गई थी। इस अपडेट में हमें स्पीड थोड़ी और स्लो होती हुई नजर आ रही है, यानी कि फेस अनलॉक में उतना इंप्रूवमेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे साउंड की बात करें तो यहाँ पे हमने ईयरफोन और स्पीकर दोनों के ही टेस्ट किए। ईयरफोन पे साउंड प्रॉपर आ रहा था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साउंड की क्वालिटी काफी अच्छी थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी तरह की बग आई है ईयरफोन पे। और अगर हम यहाँ पे स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर भी प्रॉपर वर्क कर रहे थे, किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ MIUI के वर्जन में स्पीकर पे डिस्टॉर्शन आने लगा था, तो उस तरह का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इस अपडेट के बाद आपको ईयरफोन और स्पीकर दोनों पे ही साउंड प्रॉपर मिलेगा।
इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें और गेम प्ले में पबजी की बात करें, तो इस अपडेट के बाद भी आपको Redmi Note 10 Pro में SD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल रहा है और गेम प्ले काफी स्मूथ है, यानी कि हमें लैगिंग फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ा। हमने बैटरी ड्रेन टेस्ट के ड्यूरेशन में कंटिन्यू पबजी, एसफॉल्ट 8, शेडो फाइट जैसे गेम प्ले की और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं जा रही थी गेम प्ले करने में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अदर पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि Redmi Note 10 Pro में आपको फुल जेस्चर कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, इसके साथ साथ डुअल 4G वोल्टी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटरनेट स्पीड की बात करें, तो इंटरनेट स्पीड हमें स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी मिल रही थी, लेकिन कुछ अपडेट्स आने के बाद इंटरनेट स्पीड की खास तौर से डाउनलोड स्पीड हमें काफी कम नजर आई। तो अगर हम यहाँ पे MIUI 10.3.9 की बात करें, तो MIUI 10.3.9 की इंटरनेट स्पीड मेजर करने के लिए हमने नेट वेलोसिटी ऐप का यूज किया और इसे कंपेयर किया सैमसंग गैलेक्सी A50 से। दोनों में ही हमने जियो की सिम लगाई थी, जिसके साथ साथ दोनों में ही हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था और दोनों ही सेम बैंड और सेम सर्वर से कनेक्ट होकर ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि सिचुएशन दोनों की एग्जैक्ट सिमिलर थी और हमने सेम टाइम पे यहाँ पे इंटरनेट स्पीड ऑन करी। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड में क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी A50 और काफी ज्यादा मार्जिन से विनर है। ने टेस्ट बहुत बार परफॉर्म किया दोनों की बैंड और हर एक चीज सिमिलर रख के, और हमें दोनों के बीच में कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिला, जिसमें डाउनलोड स्पीड सैमसंग गैलेक्सी A50 में ज्यादा आ रही थी, जबकि माइनर डिफरेंस के साथ अपलोड स्पीड Redmi Note 10 Pro में ज्यादा आ रही थी, और कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें MIUI 10.3.7 में भी देखने को मिल रहा था। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट स्पीड की और खासतौर से डाउनलोड स्पीड में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इंटरनेट स्पीड वैसी ही है जैसे हमें प्रीवियस अपडेट में मिल रही थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे Redmi Note 7 Pro के बैटरी डिस्चार्जिंग की बात करें, यानी कि बैटरी बैकअप की बात करें, तो MIUI 10.3.7 अपडेट के बाद हमें Redmi Note 10 Pro का बैटरी बैकअप थोड़ा कम होता हुआ नजर आया था। इस अपडेट के बाद भी हमें बैटरी बैकअप में कुछ उसी तरह का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, स्टैंड बाय टाइम हमें कम होता हुआ नजर आया, यानी कि अगर आप मोबाइल को रात में या बिना यूज के छोड़ देते तो बैटरी ड्रेन हमें होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हमने टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मोबाइल को 100% चार्ज किया और इसे रात में पावर ऑफ करके छोड़ दिया, हमें ऐसा लगा था कि जब हम सुबह उठेंगे तो हमें 100% ही बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, लेकिन 2% बैटरी कैपेसिटी कंज्यूम कर लिया Redmi Note 10 Pro ने, जबकि हमने मोबाइल को यहाँ पे स्विच ऑफ यानी बंद करके रखा था। और हमने उसके बाद स्टैंड बाय टाइम भी कैलकुलेट किया, तो स्टैंड बाय टाइम भी हमें कुछ इसी तरह का मिलता हुआ नजर आया, यानी कि स्टैंड बाय टाइम में ये 5-10% के अप्रोक्स बैटरी कंज्यूम कर रहा है रात में, जबकि इसे 1-2% मैक्सिमम बैटरी कंज्यूम करनी चाहिए रात के ड्यूरेशन में जब मोबाइल यूज नहीं होता है। तो स्टैंड बाय टाइम में डेफिनेटली हमें बैटरी बैकअप कम नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू गेम प्ले की बात करें या फिर मोबाइल के यूजेस की बात करें, तो जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं, हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, उसमें हम बेंचमार्क स्कोर से लेकर गेमिंग करते हैं, फुल ब्राइटनेस लेवल पे कंटिन्यू गेम प्ले करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन रहती है पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में, तो अगर हम यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप चेक करा दें, तो 5 आवर 10 मिनट से 5 आवर 15 मिनट, यानी कि 5 आवर प्लस का बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आ रहा है हमारे हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद Redmi Note 10 Pro। यानी कि अगर आप कंटिन्यू यूजेस करेंगे मोबाइल को, गेम प्ले करेंगे, तो प्रीवियस अपडेट के मुकाबले थोड़ा सा बैटरी बैकअप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है Redmi Note 10 Pro का। लेकिन डे बाय डे के रेगुलर यूजेस में बैटरी बैकअप कुछ प्रीवियस अपडेट के जैसे, यानी कि बैटरी ड्रेन हो रही है। और अगर हम यहाँ पे चार्जिंग टाइम की बात करें, तो चार्जिंग टाइम हमें बिल्कुल नॉर्मल लगा जैसे स्टार्टिंग में मिल रहा था, 2 आवर 10 मिनट के आसपास Redmi Note 10 Pro कंप्लीट चार्ज हो जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई बग मिलती है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि MI की अपडेट के बाद कुछ यूजर्स को यानी कि रैंडम बग्स आती हैं जो कुछ ही यूजर्स को मिलती हैं। और अगर आपका ऐप क्लोज हो रहा है या फिर कैमरे में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो एक बार कैमरे की सेटिंग्स को रिस्टोर कर लीजिए डिफॉल्ट, और ऐप मैनेजमेंट में जाके जो भी ऐप यहाँ क्लोज हो रहा है उसका डेटा क्लियर कर दीजिए, ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम रहती है वो ऐसे रिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई बग आती है, बैटरी ड्रेन का इशू है, चार्जिंग टाइम का इशू है या फिर अदर इश्यूज हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ हमने फ्रेम ड्रॉप से रिलेटेड जियो फोन से कंपैरिजन का एक वीडियो भी बनाया है कि Redmi Note 10 Pro में किस तरह के वीडियो कैप्चर हो रहे हैं, तो वीडियो को सपोर्ट भी जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World। तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंट कंडीशन में ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की फुटेज अब कैप्चर करने लगा है। वैसे तो फ्रेम ड्रॉप हमें अभी भी दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ी देर स्टेबल वीडियो रहता है, उसके बाद फ्रेम ड्रॉप आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है Redmi Note 10 Pro को अपने वीडियो मोड में, यानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने को मिल रहा है, और ये खासतौर से आउटडोर कंडीशन में होता है।
देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है।